नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आप सिम कार्ड का जो पीयू के लॉक लग जाता है उसे कैसे अनलॉक कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये प्रॉब्लम हमें तभी सामने आती है जब जाने या अनजाने में हम या कोई और सेटिंग में जो सिक्योरिटी का ऑप्शन होता है वहाँ पे सिम का सिक्योरिटी का ऑप्शन होता है उसमें हम पासवर्ड लगा देते हैं तो ये प्रॉब्लम आती है। तो दोस्तों, जो कार्ड सिंपली लॉक हुआ है उसे आप जिस भी डिवाइस में डालोगे तो वो डिवाइस पूरा लॉक हो जाएगा। तो दोस्तों, ज़्यादा ट्राई मत करना पीयूके को अनलॉक करने की, वरना पीयूके ब्लॉक भी हो सकता है। और एक बार पीयूके ब्लॉक हो गया तो आपको जिस कंपनी का कार्ड है उसकी ऑफिस पर जाना होगा और वहाँ पर डॉक्यूमेंट देकर आपको वेरीफाई करवाना होगा। अगर दोस्तों आपने ज़्यादा ट्राई नहीं की और सीधे मेरे वीडियो देखने आ गए तो आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। तो दोस्तों, पीयूके वाला जो कार्ड है लॉक हो चुका है उसमें से तो कॉल लगेगा नहीं। तो दोस्तों, अब आपको क्या करना है, जो कोई भी उस कंपनी के कार्ड को यूज़ करता है उसके पास से आपको मोबाइल को लेना है और कस्टमर केयर में कॉल करना है। अब दोस्तों, वहाँ पर आपको नाम नंबर देना है, उसके बाद वहाँ पर एक OTP जनरेट होगा तो वो 4 या 8 अंक का होगा। तो उसके बाद जो वो आपको बताए वो आपके मोबाइल में डाल देना है और उसके बाद कस्टमर केयर से आपको एक कंफर्म पिन बताया जाएगा, वो भी आपको डाल देना है और शायद दूसरी बार भी वही पिन आपको डालने को बोला जाएगा। उसके बाद कार्ड अनलॉक हो जाएगा। अब दोस्तों, बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती, अब आपको उसे सेटिंग में से भी डिसेबल करना होगा वरना फिर से पीयूके लग जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों, आपको सबसे पहले सेटिंग को ओपन करना है, वहाँ पे आपको सिक्योरिटी का ऑप्शन मिल जाएगा तो वहाँ पे आपको ओके करना है। दोस्तों, आपको नीचे स्क्रॉल करना है तो वहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, सेटअप सिम कार्ड लॉक, आपको टैप करना है। दोस्तों, ये सेटिंग थोड़ी सी अलग होगी और मोबाइल में, बट आप थोड़ा सा फाइंड करना तो आपको मिल जाएगी। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे अभी मैंने डिसेबल कर दिया है। दोस्तों, आपको इसे ऑफ करना है तो यहाँ पे आपको टैप करना है और जो आपको कंफर्म पिन बताए वो आपको यहाँ पर डाल देना है। जो पहले बताए वो आपको नहीं डालने हैं, जो दूसरी बार बताए हैं ना जो कंफर्म पिन, वो आपको यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद ये जो है डिसेबल हो जाएगा और बाद में जैसा कार्ड था वैसा हो जाएगा। बस दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर कर देना, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, घंटी कॉल पर प्रेस कर देना, इंस्टा ट्विटर पर फॉलो कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक ले गुड बाय।